मैं प्रतीक तिवारी आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम नगर पंचायत कुसमरा के एक विद्यालय में उपस्थित हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज एक तारीख है और विद्यालय संपूर्ण रूप से खोल दिए गए हैं। ऐसे में विद्यालयों की क्या स्थिति है, क्या रियलिटी है, हम सीधे सीधे आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक विद्यालय के हम मैनेजर जो हमारे प्रबंधक जी हैं वहाँ पर बैठे हुए, उनसे जानते हैं कि ये जो बीमारियाँ फैल रही हैं और आज जो विद्यालय खुले हैं इन पर कितना असर पड़ रहा है, बच्चों की संख्या पर क्या असर आया है। तो सीधे चलते हैं हम प्रबंधक जी के पास। नमस्कार सर। नमस्कार जी। रमाकांत मिश्रा, HL मॉडर्न पब्लिक स्कूल, गुलालपुर रोड, कुसमरा, मैनपुरी। जैसा कि आपको पता है कि आज से विद्यालय खुल रहे हैं जी। हालांकि विद्यालय खुल चुके हैं लेकिन 1 से 5 तक विद्यालय आज से खुल रहे हैं। वहीं डेंगू मलेरिया फैला हुआ है, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, यहाँ तक कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी स्कूल के स्कूल सील हो रहे हैं और इससे बच्चों की मौतें भी हो रही है जी। एक तरफ इतने समय बाद पूर्ण रूप से विद्यालय में शिक्षा का प्रारंभ हो रहे हैं और दूसरी तरफ खतरनाक बीमारियां भी पनप रही हैं, जिससे विशेष रूप से छोटे बच्चों को भी खतरा है। ऐसी स्थिति में बच्चों के गार्जियन की क्या मनोदशा है, आइए हम जानते हैं। बताइए सर। मैंने जैसा सरकार के आदेशानुसार आज 1 सितंबर से विद्यालय खोलने के आदेश थे, उसके आधार पर मैंने देहात में बच्चों से, अभिभावकों से, गार्जियन से, सभी से मैंने संपर्क किया। संपर्क में अभिभावक विद्यालय भेजने के लिए बच्चों को तैयार हैं, लेकिन जो कोरोना गाइडलाइन है उसके अनुसार कोई भी विद्यालय बच्चों को नहीं भेजना चाह रहा है। कारण है कि कोरोना गाइडलाइन के लिए बच्चों को मास्क जरूरी है, ये मास्क तो हम विद्यालय की तरफ से बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं। सैनिटाइजेशन भी हम स्कूल में करा रहे हैं, गाड़ी में भी सैनिटाइजेशन करा दिया है, लेकिन पेरेंट्स इच्छुक नहीं है विद्यालय भेजने के लिए, क्योंकि ऐसा जो दिया हुआ है कि सहमति पत्र हो, हमारे पास सहमति पत्र भी आ चुके हैं, सहमति पत्र पर दस्तखत करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे हमारे यहाँ आज आए हैं, कम से कम 20 बच्चे आए हैं, 20 बच्चों के पेरेंट्स से हमने संपर्क किया था, तो वो आज या कल में अपना सहमति पत्र दे देंगे आगे। इसके बाद भी सहमति पत्र के लिए लोगों से संपर्क किया है, बच्चों को धीरे धीरे भेजने के लिए इच्छुक हैं। अब बीमारी का फैलाव तो हो ही रहा है, उसके लिए सरकार प्रयासरत है, प्रयास कर रही है रोकने के लिए। आगे अभिभावक पूर्ण रूप से अभी नहीं है तैयार, संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, बीमारियां फैलते देख रहा है, तो संतुष्ट कैसे हो? बच्चे के लिए पेरेंट्स कह रहे हैं कि पहले बच्चों को वैक्सीन लग जाए तभी स्कूल खोले जाए, खोल दिए हैं, बढ़िया बात है, आगे आगे देखते हैं क्या, देखते हैं क्या होता है। पर बच्चों की क्लासरूम में उपस्थित है और यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनसे जानते हैं कि उन्हें इतने दिन बाद स्कूल आकर कैसा लग रहा है। हाँ बेटा, अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम राधिका है। उधर देखो, पापा का नाम क्या है? पापा का नाम पंकज तिवारी। हाँ, ये बताओ आज इतने दिन बाद स्कूल खुला है, अभी 2 साल से लगभग 1.5 साल हो गया स्कूल नहीं खुल रहे थे, और अब जो आज पहले दिन आप स्कूल आई हो, कैसा लग रहा है आपको? आज हमारे स्कूल खुले हैं, यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, Thank you.